नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ ITR क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इसकी लिमिट क्या है, किसको फाइल करना मैंडेटरी है, कौन कौन से फॉर्म है और पेनल्टीज क्या है अगर नहीं फाइल करते हैं तो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। जो लोग नए हैं इस टैक्सेशन डोमेन के अंदर, उनको समझना ज़रूरी है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो, ITR मींस इनकम टैक्स रिटर्न। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें जो रूल्स एंड प्रोसीजर जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। ये फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफाई करती है हर साल। इसमें जो फॉर्म होते हैं वो लगभग 7 तरह के वेरियस फॉर्म होते हैं, जैसे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7। इसको फाइलिंग करने के लिए लिमिट्स होती हैं। क्या लिमिट्स होती हैं? देखो, लिमिट जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, सबके लिए नहीं है। अगर यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है, उसकी 2.5 लाख की लिमिट है। अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से कम होती है या 2.5 लाख होती है, तो उस केस में उसको फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, 80 साल के बीच है, तो उनकी जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है। और ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज 80 साल से ज़्यादा है, उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख की है। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर इतने तक की इनकम होगी इंडिविजुअल्स की, तो उस केस में ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इससे ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। ये केवल जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो अवेलेबल है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट के लिए 2.5 लाख की लिमिट है, ठीक है। इसी प्रकार से इंडिविजुअल्स के अलावा कोई है, जैसे कोई कंपनी है, फॉर्म है, तो इन फॉलोइंग केसेस में यहाँ पे ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देखो, अगर यहाँ पे इनकम एक से अधिक सोर्सेस से है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, तो उस केस में मैंडेटरी है। अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी इनकम अलग अलग सोर्सेज से है, एक से ज़्यादा सोर्स से है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से भी है, कैपिटल गेन से भी है, सैलरी से भी है, तो उस केस में यहाँ पे उसको फाइल करना पड़ता है। दूसरा, अगर इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो उस केस में मैंडेटरी है फाइलिंग। तीसरा, अगर कोई आपने फॉरेन एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस केस में भी फाइल करना पड़ेगा। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना रिक्वायर्ड है। कोई आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस है, लॉस है बिजनेस के अंदर, उसको आप नेक्स्ट ईयर में ले जाना चाहते हो, तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी। कोई कंपनी हो या फॉर्म है, चाहे उस कंपनी या फॉर्म के अंदर प्रॉफिट आ रहा हो या लॉस आ रहा हो, उस केस में इनको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 7 तरह की ITR फॉर्म है, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। इसमें ITR 1, 2, 3, 4, ये सभी ITR फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है, जो इंडिविजुअल हैं। उसके बाद कंपनीज और फॉर्म के लिए ITR जो है ITR 5, 6 और 7 अवेलेबल है, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, डिपेंड करता है उनके इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये फॉर्म इनकम के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल्स स्विच कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपनी है या फॉर्म है तो उनके लिए ITR 5, 6 और 7 है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ITR 1 के बारे में समझो। देखो, ITR 1 जो है सैलरी इनकम के लिए, अगर आपकी इनकम सैलरी से है, इसको ITR सहज भी बोला जाता है, तो उस केस में आप इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी इनकम अदर सोर्स से है, जैसे लॉटरी इनकम हो गया, हॉर्स रेस हो गया, या इंटरेस्ट इनकम हो गया, तो उस केस में भी आप यहाँ पे ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक, 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में भी ITR 1 फाइल कर सकते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल। इसी प्रकार से एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम किससे है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से है, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से है तब तो ITR 1 कर सकता है। उसमें ITR 1 में अपनी सैलरी इनकम और हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा सकता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल जिसकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, रेंटल इनकम है, जो अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी से रिसीव हो रही है, तो उस केस में उसे ITR 2 फाइल करना पड़ता है। कोई फॉरेन इनकम ये कोई फॉरेन एसेट्स है, तो उस केस में उसे ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी के अंदर, तो उस केस में करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में उसको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा।
किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस केस में करना पड़ेगा। कैपिटल गेन की इनकम बनती है जैसे कि शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस केस में ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ITR 3। देखो ITR 3 जो है वो अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं, कौन सी इनकम? बिजनेस इनकम, वो भी नॉर्मल बिजनेस इनकम। अब बात करते हैं ITR 3 के बारे में। तो ITR 3 के अंदर जो लोग बिजनेस इनकम दिखाते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जिनके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल नहीं है वो कर सकते हैं। किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं वो कर सकते हैं। किसी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर है वो कर सकते हैं ITR 3। किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल जिसकी इनकम सैलरी, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स है वो यहाँ पे ITR 3 फाइल कर सकता है। ऑडिट का केस है तो उस केस में ITR 3 फाइल करना पड़ता है। ऑडिट की डिटेल्स देनी होती है। अगर आपकी टर्नओवर, बिजनेस की टर्नओवर इतनी हाई हो चुकी है कि आप ऑडिट के अंदर है तो उस केस में ITR 3 ही फाइल करना पड़ता है। ITR 4, ITR 4 को यहाँ पे सुगम रिटर्न भी बोला जाता है। इसके अंदर अगर आप ITR 4 को फाइल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना पड़ता क्योंकि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट उठाते हैं। सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE के अंदर आप इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कर सकते हैं इस फॉर्म का यूज़ करते हुए। तो ये चारों फॉर्म तो हो गया इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद आता है कंपनी और फॉर्म के लिए जो फॉर्म है, जैसे कि ITR 5। ITR 5 कौन कौन फाइल कर सकता है? ITR 5 एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक लोकल अथॉरिटी, एक बिजनेस ट्रस्ट या एक इन्वेस्टमेंट फंड, ये सभी ITR 5 को फाइल कर सकते हैं। ITR 6 कौन फाइल करेगा? ITR 6 जो है वो फाइल कर सकती है कंपनीज। कंपनीज के लिए ITR 6 है। इसमें से वो कंपनीज इस ITR 6 को फाइल नहीं कर पाएंगी जो एग्जम्पशन क्लेम करना चाहती है सेक्शन 11 का। और ITR 6 कौन फाइल कर सकता है? ITR 6 जो है एक ट्रस्ट, ठीक है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, NGO, वो ITR 6 को फाइल कर सकते हैं। ITR 7 कौन फाइल करेगा? ITR 7 जो है वो कंपनीज फाइल कर सकती हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A के अंदर फाइल करेगी, 4B के अंदर, 4C के अंदर और 4D के अंदर कंपनीज अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकती है ITR 7 में। अब हम बात करें कि पेनल्टीज़ क्या है। तो इसमें जो पेनल्टी है वो है सेक्शन 234F के अकॉर्डिंग, अगर आप फेल हो जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में टाइमली, जो टाइम है, तो पेनल्टी जो है आपके ऊपर ₹10,000 तक की पेनल्टी लगती है। अब मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो जो पेनल्टी लगती है ड्यू डेट खत्म होने के बाद। ड्यू डेट कौन सी है? ड्यू डेट है यहाँ पे नॉन ऑडिटेड ITR के लिए 31 जुलाई है और ऑडिटेड ITR के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो अगर आप ड्यू डेट को फेल कर जाते हैं, आपकी इनकम 5 लाख तक है तो उस केस में ₹1,000 की लेट फीस लगेगी 5 लाख से ऊपर जाते के साथ ही, तो इस हिसाब से पेनल्टी लगेगी। अब जो असेसमेंट ख़त्म हो रहा है वो 31 दिसंबर को असेसमेंट ख़त्म हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी लग जाएगी और ये पेनल्टी आपकी जो है वो ₹10,000 तक जाती है। तो आपके ऊपर अगर ITR एप्लीकेबल है, आप फाइल नहीं करते तो ₹10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। समझ गए दोस्तों कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR क्या है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।